Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. You guys are watching Pileo Vlogs with another vlog. So I know आप लोग रोका वाले vlog का wait कर रहे होगे, but guys उसको edit करने में मेरे को थोड़ा time लग रहा है क्योंकि clips बहुत ज़्यादा है और copyright का भी बहुत सारा issue होता है. So मैं उसको डाल दूँगी बाद में, but अभी आप ये वाला vlog enjoy करो. So आज का vlog थोड़ा डिफरेंट है. जब से भी मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया है, व्लॉग्स वगैरह भी स्टार्ट किए हैं, तब से मैंने ऐसा कोई शूट नहीं किया है. ये मेरा फर्स्ट मेकअप शूट है, मतलब यस कह सकते हैं फर्स्ट ही है. हाँ सो यस, वो आज मेरा जिनके साथ शूट है वो तो मैं आपको जाके दिखाती हूँ, बट वो मेरी सीनियर थी मतलब स्कूल टाइम पे, उनके साथ मेरा शूट है आज. और मैं उनकी आईडी वगैरह तो मेंशन कर ही दूंगी, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना. बट देखते हैं आज क्या लुक रहने वाला है. और ये बहुत ही ऐसे ऐसे बना है हमारा प्लान, क्योंकि मतलब पहले से हम बात कर रहे थे कि शूट करना है, लेकिन कोई भी डेट वगैरह फिक्स नहीं थी. फिर अभी दीदी का टेक्स्ट आया कि अभी कर लेते हैं, और बस मैं उठी और मैंने आउटफिट पहना और जा रही हूँ मैं. सो बाकी मैंने स्किन केयर जो सुबह से किया हुआ था वो भी फेस वॉश कर दिया, क्योंकि पूरा क्लीन करके ही मेकअप करते हैं, तो मैंने खुद से ही क्लींजिंग कर ली अपनी. चलो चलते हैं. गाइस द बेस्ट पार्ट इज यहाँ से सनलाइट आ रही है, और ये है हमारा पूरा सेटअप लगाया हुआ हमने, और ये आउटफिट है. अभी मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मुझे आएगा या नहीं आएगा, बट देखते हैं ट्राई करके. आ जाएगा तो वरना कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे हम. अभी दीदी गई है थोड़ा बहुत सामान लेने, फिर दिखाती हूँ. यही सनलाइट ढूंढती रहती हूँ ना घर में. This is the final look. पहले अरे अरे मेकअप आर्टिस्ट अपना इंट्रो दे दो. गाइस हम लोग 4 बजे आप आ जाओ, आप ही बोल दो. अच्छा 2 मिनट्स के लिए चुप हो जाओगे हैं? ठीक है डन. गाइस हम लोग 4 बजे शूट करने लगे थे, और मैंने आपको बोला था कि हम बीच बीच में से मिलते रहेंगे, बट हम शूट करने में ज़्यादा बिजी हो गए. अब रात हो गई, दीदी अपना सब सामान सही करने लग गई. चलो आपको मेरे सारे मतलब लुक की जितनी भी वीडियोस वगैरह वो सब इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, और दीदी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. दीदी हाय, बता दो थोड़ा सा. स्पार्कल ब्रश के नाम से होगा, तो आप उसे फॉलो कर लो, और उसमें पायल का लुक आपको पता चलेगा. आप क्यों हंस रहे हो? आप क्यों हंस रहे हो? हाय कर दो, हाय कर दो, हाय. अरे कर दो यार, हाय. चलो अब हम बाकी जो थोड़ी बहुत क्लिप्स रह गई है वो ले लेते हैं, फिर मैं घर जाके कंटिन्यू करती हूँ. हाय गाइस, आफ्टर 1 वीक वही व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ मैं, मतलब ठीक है ना. मैं हमेशा बोलती हूँ रेगुलर रहूँगी, अब से कॉन्टिन्यूसली व्लॉग्स आएंगे, बट मेरी कोई गलती नहीं है. हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि मैं शूट नहीं कर पाती. फिर मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इतना सभी मैं कुछ कैप्चर कर पाऊंगी ना तो मैं करूँगी. तो ये वाला व्लॉग जो इससे पहले आपने देखा था शूट वाला, ये हमने किया था लास्ट फ्राइडे. यस लास्ट फ्राइडे, और आज भी फ्राइडे है, मतलब 1 वीक का डिफरेंस है पूरे में, तो समझ जाना गाइस. बाकी आज हवन है ताऊ जी के, हमें मावस है ना उसका, तो मैं वहीं जा रही हूँ और वहीं पे कंटिन्यू करूंगी व्लॉग. सॉरी गाइस, स्टे ट्यून. सो इससे पहले जो आपने क्लिप देखी वो ब्लू कुर्ती वाली, वो कल की थी. कल था सैटरडे, और ऐसे ही हम घर पे थे, फिर हम लोग चले गए, मतलब मैं और वानी, हम लोग चले गए कुलचे खाने, अमृतसरी, प्यारे लाल के अमृतसरी कुलचे खाने.
फिर इसलिए मैंने उसके एक दो क्लिप्स ले ली थी कि मैं डाल दूंगी। और मैंने यही सोचा है कि मैं मतलब मेरे ना हॉलीडेज हैं, मतलब एग्जाम्स हुए थे मेरे मास्टर्स के फर्स्ट ईयर वाले, तो उसके बाद मेरा ऐसे ऑफ चल रहा है कॉलेज का, तो मैं इसलिए घर में रहती हूँ, तो घर में कुछ खास होता नहीं है ब्लॉग करने को, और घर के बहुत सारे लोग कम्फर्टेबल भी नहीं होते कैमरा में आने के लिए, तो मैं इसलिए ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाती क्योंकि घर पर भी वही बोरिंग सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि कुछ भी अलग अलग होगा ना तो मैं वही सब ब्लॉग करूँगी। तो वैसे तो कल मम्मा ने राजमा चावल बनाए थे एंड आई लव राजमा चावल, पर बाहर भी जाना था, लेकिन मैं पहले सुबह खा के घर गई थी घर से, फिर मतलब मॉर्निंग मैंने जल्दी खा लिया था, फिर हम गए थे वहाँ पे, और फिर रात को ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कुछ स्पेशल। आजकल मैं बिग बॉस देख रही हूँ, आप लोग बिग बॉस देख रहे हो क्या? अगर आप में से कोई बिग बॉस देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताना गॉसिप्स करने के लिए। तो बिग बॉस वगैरह देखा मैंने और फिर खाना वाना खाया, दैट्स इट। और अभी मैं सुबह उठी, फिर मैंने शावर लिया, फिर मैं किचन में गई, मैंने देखा मम्मा ने ना वो आलू बॉईल करके रखे थे, तो मैंने पूछा क्या बनाओगे, तो मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि मम्मा ने आधे तो वो बना दिया, मतलब आलू के पराठे बनाने के लिए, बाकी तो मम्मा ने सब करके रखा, लेकिन थोड़े से आलू अलग रखे हुए हैं, तो फॉर श्योर मम्मा आलू की चटनी बना रही है। और ना अब तो फिर भी थोड़ा कम क्रेज़ हो गया, बट वेन आई वॉज इन कॉलेज, मतलब ग्रेजुएशन में, और हाँ ग्रेजुएशन वाले टाइम पे इतनी आलू की चटनी खाती थी भाई मैं मतलब मैंने नानी के घर से सीखी थी, वहाँ पे बनाते हैं आलू की चटनी बहुत, तो फिर मम्मी को भी मैं बोलती थी बनाने को, और मम्मी बनाती थी, तो मैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही आलू की चटनी खाती थी। अब तो बहुत ही दिन बाद बन रही है आई थिंक सो, पता नहीं आज मम्मा को कहाँ से याद आ गई, बट ठीक है। तो आज भी मेरे को अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, मतलब अच्छा तो हमेशा ही मिलता है, लेकिन ना मैं बहुत ही चूजी हूँ खाना खाने में, मेरे को बहुत ही कम चीज़ें पसंद है जो मैं बहुत खुश होकर खाती हूँ, तो आजकल मैं रोज़ अच्छा 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 खा रही हूँ। सो यस, अभी मैं जा रही हूँ, मैंने शावर वगैरह ले लिया है, और ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी नहाई नहीं हूँ, इस मैंने नाइट सूट पहना है, मेरा ये बहुत गंदा रूटीन, मतलब गंदा भी कह सकता है अच्छा भी कह सकता है, मेरे को अपने कम्फर्ट जोन में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं नहाते ही ऐसे अपने ये वाले नाइट सूट्स पहन लेती हूँ क्योंकि कंफर्टेबल रहते हैं और घर में ही रहना है तो वाई नॉट। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, बिग बॉस देखूँगी पहले, कल रात को मैंने बिग बॉस नहीं देखा, मतलब मैं क्या मैं नेक्स्ट डे देखती हूँ मॉर्निंग में, तो मैं कल का बिग बॉस देखूँगी, कल तो वैसे भी वीकेंड का वार आया होगा, वो देख लूँ, फिर खाना खाऊँगी और फिर मिलते हैं, फिर बातें करते हैं, बाय। मैंने बोला था पापा से मैसेज करके कि लेज खानी है, तो लेज की दुकान लग चुकी है हमारे घर, लेज 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 टॉफी बच्चे हम है, बिस्किट बिस्किट, अगली बार से ऐसे लिख करूंगी, एक लेज एक बिस्किट। हाय गाइस, सो जैसा कि आपने देख ही लिया, लंच वगैरह सब हो चुका है, और मेरे को ना आदत पड़ रखी है बहुत ही बुरी दोपहर में सोने की, वैसे तो 4 बजने वाले हैं, एक मिनट, हाँ 3:30 हुए अभी, तो मैं सोच रही थोड़ी देर सो जाती हूँ, देखते हैं नींद आएगी या नहीं, बट ट्राई तो मैं करूँगी कि मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, फिर मैं शाम को फ्रेश रहती हूँ। गाइज, ये नलायक बच्चे हैं जो हॉलीडे होमवर्क में हॉलीडे नहीं होमवर्क नहीं करते, और फिर अब आके इनको कल स्कूल जा रहे हैं, तो अभी इन्हें साड़ी पहन के डांस करना है। एक ही स्कूल वाले हैं, पता नहीं ऐसा कैसा हॉलीडे होमवर्क दे देते हैं, मेरी समझ नहीं आता। हाय गाइज, आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, सी यू द नेक्स्ट वन, बाय।